Sony Live. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. का कुछ पता चला? पूरा एक दिन हो गया उसका कुछ पता नहीं चला. उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है. वो लड़की ऐसे कभी नहीं करती है. मुझे पता नहीं मेरी बच्ची कैसी है, कहां पर है. एग्जैक्टली कितने बजे गायब हुई थी पूजा? सर करीब 6 बजे घर से निकली थी. आपके रिश्तेदार या उसके दोस्तों से पूछा? हाँ सर, सब जगह इंक्वायरी किया. पर पूजा का कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आया. उसके बाद ही हम आपके पास आए थे कंप्लेंट लिखवाने. इस फोटो में पूजा के साथ कौन है? सर ये रेनू है, पूजा के बचपन की दोस्त है. सर घर से रेनू के पास उसके घर जाने का कह कर गई थी. तब रेनू यही बगल के मोहल्ले में रहती है और ये दोनों अक्सर साथ में टाइम स्पेंड करते हैं. कल रात को भी पूजा रेनू को ही मिलने गई थी, उसके बाद से गायब है सर. The number you are trying to call is currently switched off. सर कल रात को 8:30 बजे तक पूजा कोई कॉल नहीं आया. माँ को परेशानी होने लगी तो मैंने पूजा को कॉल किया. फोन लगा क्या? नहीं भी बंद आ रहा है, रेनू को ट्राई करता हूँ. बोलना क्या हो रहा है? ये भी बंद आ रहा है. रेनू के घर वाले है ना, पूजा के गायब होने में उन्हीं लोगों कहाँ थे. सर अब एक बार उनके घर जाइए ना तो पूजा आपको वहाँ ही मिलेगी. पूजा को मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था और वो रेनू के घर गई थी. सिर्फ इस बात को लेकर आपको रेनू के घर वालों पर शक हो गया? जी नहीं सर, बात यह है कि मैं कल पूजा को ढूंढते हुए रेनू के घर गया था, लेकिन वहाँ पे अंकल वहाँ पूजा नहीं. घर पे चल यहाँ से, चल. अंकल एक बार रेनू से पूछिए तो सही, उसे पता होगा. तेरा दिमाग खराब है, सिर्फ एक बार में बात समझ नहीं आती. रेनू की तबीयत खराब है, वो किसी से मिल सकते. चल यहाँ से. देखिए अंकल घर पे माँ बहुत परेशान है, पूजा अभी तक नहीं आई है. वो रेनू से ही मिलने आई थी, एक बार आप पूछते. तो ऐसा नहीं मानेगा, घंटे खा कर जाएगा. चल यहाँ से, निकल. अंकल चल. पूरी तरह जल चुकी. लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इस पूरे एरिया की अच्छी तरह से तलाशी लो. जी सर. सर ये बैग मिला सर. पुलिस को जली हुई लाश और जले हुए कपड़ों के पास रेनू का आईडी कार्ड मिला, जिसने पुलिस को इस नतीजे पर पहुंचाया कि लाश रेनू की ही है. इसलिए उन्होंने बॉडी की शनाख्त के लिए रेनू के पेरेंट्स को बुलाया. पर अब सवाल ये था कि पूजा कहाँ है.
अमन कह रहा है कि विजय और राहुल ने उसे मारा, लेकिन ये दोनों लड़के इस बात से इनकार कर रहे हैं। नेबर्स और वॉचमैन को भी कुछ क्लियर नहीं, इनमें से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। जी सर। पूजा और रेनू की दोस्ती के बीच में कोई तो आया, पता लगाना होगा कि ये कौन है। इनकी दोस्ती की अच्छे से जांच पड़ताल कर। सब मुझे लगता है कि रेनू के मर्डर में किसी और का नहीं, मेरे घर वालों का हाथ है। क्या? हाँ सर, और पूजा के गायब होने में भी शायद मेरे घर वालों का ही हाथ है। ऐसा क्यों? 10 दिन पहले की बात है, राहुल और विजय ने रेनू को सबक सिखाने के लिए उसका रेप किया। चल सुरेंद्र, हम चलते हैं, अब ये दोनों ना खुद ही ठीक कर देंगे इसको। पापा नहीं, पापा, पापा, पापा नहीं, राहुल, पापा नहीं, तू कर ले पकड़ लो, पापा, पापा नहीं, पापा, नहीं, बात छोड़ी, बात छोड़ी, मुझे जाने, अपने कमरे में जा, चल, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, बुला रही है मुझे, पुकार रही है मुझे, जाने दे, क्या चल रहा है अंदर, अब मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़। मेरे पति और मेरे जेठ, किसी को जरा सी भी शर्म नहीं है। मेरी बच्ची लगातार मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन भाई अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों करेंगे? मेरे पति का मानना था कि रेनू और पूजा के बीच शारीरिक संबंध है, वो दोनों लेस्बियन थे। मेरे पति ने कहा कि रेनू को सबक सिखाओ और बताओ कि मर्द के साथ संबंध बनाने में ही मजा है, ना कि एक लड़की के साथ। लेकिन रेनू इस बात के लिए अंत तक मना कर रही थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। रेनू और पूजा के बीच के इस रिलेशन के बारे में उन्हें कैसे पता चला? वो विजय का कहना था कि उन दोनों को गलत अवस्था में देखा था। शर्म नहीं आ रही तुझे? हां शर्म नहीं आ रही तुझे? ऐसा कुछ नहीं हो। कहता है वो मेरे से भी बच्ची दोस्त है। छोड़ ना, बोल तो, तुम दोनों का चक्कर चल रहा है ना, देखा उसने? नहीं, झूठ लो, झूठ लो, झूठ हम बोल रहे। रात भर उन लोगों ने उसके साथ अत्याचार किया। ये बातें आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर मैं डरी हुई थी सर, मुझे लगा अगर मैं आपके पास आऊं तो मेरी बेटी के साथ और जुर्म होगा। लेकिन जब रेनू की लाश मिली तब मैंने सोचा कि अब चुप नहीं रहूंगी। बड़ी मुश्किल से मैं घर में झूठ बोलकर आई हुई हूं। साहब आप जाइए और पता लगाइए कि रेनू को किसने मारा है। हमें हमारा काम मत समझाओ, हमें सब पता चल गया है कि तुम्हारे सामने इन दोनों ने रेनू का रेप किया था। नहीं सर, ये सब तो बकवास है, हम भला ऐसा रेनू को।
तुम बाप नहीं जल्लाद हो, जल्लाद। चुप। ने कभी भी अपनी बेटी से प्यार नहीं की, कसाई की तरह मारते थे। अब तो वो बेचारे मर गए, अब तो सुधरो। इंस्पेक्टर साहब, इन सब लोगों ने मेरे बेटे को बहुत दुख दिया, किसी को छोड़िएगा मत। जो केस दो दोस्तों के गायब होने से शुरू हुआ था, उसने अचानक एक भयानक मोड़ ले लिया, जब एक के बाद एक दोनों लड़कियों की जली हुई लाशें मिली। आखिर कौन था इन हत्याओं के पीछे? सर, जंगल के आसपास के सभी एरियाज को चेक किया, कहीं भी कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है। लेकिन सिर्फ एक फैक्ट्री है जो कई सालों से बंद पड़ी है। हम अभी भी वहां पहुंचे हैं, मेन गेट क्लोज है इसका। मैं आपको लोकेशन भेजता हूं। जी सर। सर वहां पे फैक्ट्री का दरवाजा खुला हुआ है पीछे। यस सर। कुछ मिला ना? सर, ये खून के धब्बे, ये स्टोव, सब्जी, लड़की के कपड़े। अनिल, हो सकता है कि किडनैपर ने रेनू को किडनैप करके यहीं रखा, और ये सब सामान देखकर लग रहा है कि शायद वो भी उसके साथ यहीं रहता हो। सर वहां पर ये हेलमेट का ये लॉक मिला सर। मैंने झूठ बोला सर, रेनू के कजिन्स ने रेनू का रेप किया। यह हमें पता है कि रेनू के कजिन्स ने उसका रेप किया था, लेकिन रेनू के घर वालों को यह गलतफहमी कैसे हुई कि रेनू और पूजा का गलत रिलेशन था? सर, उस दिन मैं रेनू को मिलने गया था, हमारे फिजिकल रिलेशन के बाद जब रेनू कपड़े पहन रही थी तो विजय उसे लेने आया था। और उसने रेनू को पूजा के साथ देख लिया था। पूजा के साथ देखकर उसने कुछ भी गलत मतलब निकाल लिया, और वो बात जाकर रेनू के पापा को बता दी। रेनू के पापा ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। रेनू एक पल के लिए भी घर पे नहीं रह पा रही थी, उसे घर से भागना था। ऐसे में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था सर, मैंने अपनी बहन, हमने पूजा को मार दिया। तुमने मुझे इतनी रात को यहाँ क्यों बुलाया? अरे नहीं, वो और फिर हमने रेनू का बैग और आईडी कार्ड पूजा की डेड बॉडी के वहीं पर छोड़ दिया, ताकि सबको लगे कि रेनू मर गई। तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी बहन का खून कर दिया तुमने, और फिर रेनू को क्यों मारा? सब रेनू बहुत डर गई थी, वो अब आपके पास आने वाली थी। अमान, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पूजा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, हम घर वालों से बचने के चक्कर में हम लोगों ने उसे मार दिया। हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, कुछ दिन की सजा मिलेगी, अमन हम बच जाएंगे। अमन प्लीज। तू पागल हो गई है? अपनी जिंदगी बनाने के लिए मैं अपनी बहन को मार डाला, और अब तू ऐसा बोल रही है? रेनू, हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। पर वो मेरी नहीं जा सकते हम लोग वहां पे, समझी? मैं बहुत घबरा गया था। मैंने रेनू को बहुत समझाया, बहुत मारा, पर वो नहीं मानी। ओह।
मैंने उसे भी मार दिया। तुमने अपने प्यार के लिए अपनी बहन को मार डाला और फिर रेनू का रेप किया और उसे भी मार डाला। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अपने इसी समाज के कुछ घरों में कहीं रेनू के परिवार जैसा दरिंदा पिता है तो किसी घर में अमन जैसा नादान उम्र वाला भाई है जो अपनों के साथ भी दरिंदगी की सारी हदें पार कर सकता है। क्या रिश्तों के मायने बदल गए हैं या फिर हम बदल गए हैं? ये बेहद जरूरी है कि माता पिता अपने और अपने बच्चों के बीच में एक ऐसा माहौल तैयार करें जहां वो उनके उज्जवल भविष्य की बातें उन्हें प्यार मोहब्बत से समझा सकें, ना कि उन पर सख्त पाबंदियां लगाकर। और बच्चों के लिए भी ये समझना बेहद जरूरी है कि इस उम्र में गलत प्यार मोहब्बत में फंसना और घर छोड़कर भाग जाने का फैसला उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।